महाराष्ट्र के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार होकर। तो एक बहन पूछ रही है कि परम पूज्य श्री गुरुदेव, सविनय प्रार्थना है कि निष्कामता के पूर्ण शुद्धि सिद्धि को व्यवहार में किस प्रकार चरितार्थ किया जा सकता है, इसे कृपया समझें। पहले जब जजाति में ब्राह्मण क्षत्रिय आदि संस्कार होते थे तो ये नियम दिलाया जाता था कि आप संध्या बंदन गायत्री जप अग्निहोत्र प्रतिदिन किया करें। तो उस समय बालक ये नहीं पूछता था कि हम क्यों करें, क्योंकि उसका बाप उसका दादा परदादा संध्या बंदन करता है, जप करता है, अग्निहोत्र करता है, तो वो तो देख देख के ही ये सोच लेता था कि हमको ये करना चाहिए। और 8 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण, 10 वर्ष की उम्र में क्षत्रिय और 12 वर्ष की उम्र तक भविष्य संध्या बंदन गायत्री जप अग्निहोत्र गुरु सेवा करना आरंभ कर देते थे और स्वाध्याय करते थे। उनके मन में ये प्रश्न उठता ही नहीं था कि हम ये क्यों करें, उनके मन में यही प्रश्न था, यही बात थी कि हमारे पिता पितामह हमेशा से करते आए हैं, हम भी करेंगे। ये नाश से पितर हो जाता जेल जाता पितामह, तेन जायात सदाम मार्गम तेन गच्छन नरेश्वर। जिस रास्ते से हमारे पिताजी चले हैं, हमारे दादा भी चले रहे हैं, वो सन्मार्ग है और उससे जाने में कभी कोई हानि नहीं होती है। तो ये बात आपको तो सुना दें कि संध्या बंदन क्यों करें, ये प्रश्न नहीं था। प्रश्न ये था कि जब हमारे पिता पितामह सर्वदा से उसको करते आए हैं, ब्रह्मा से लेकर अब तक यज्ञोपवीत की जो परंपरा चली है उसमें संध्या बंदन होता रहा है, तो हमको भी करना ही चाहिए, ये हमारा अवश्य कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य के जो महत्व बुद्धि है, निष्ठा है, उससे जो कर्म किया जाता है वो निष्काम हो जाता है। आपको ये मालूम होगा और ना मालूम हो तो सुन लीजिए कि संध्या बंदन न करने को काम लेता और राम राम का जप न करने से पाप नहीं लगता। राम नाम का जप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, भगवान मिलते हैं, वो हृदय से लगाते हैं, एक हो जाते हैं, वो सब होता है राम राम जप करने से। उससे कोई कामना करे तो पूर्ण हो जाती है, पर संध्या बंदन जो है ये कामना की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि अपना अवश्य कर्तव्य होता है। अब ये बात मैंने कही क्यों, निष्काम कर्म कैसे किया जाता है, निष्कामता कैसे होती है, इसका नमूना जो हमारे जीवन में डाला हुआ है, संध्या बंदन गायत्री का जप अग्निहोत्र एक अहम जब हिन्दाह अलग कर संध्या हीनों दिनत्रय एकाहम जब हिन्नस्तु संध्या हीनों दिनत्रय द्वादशाहम अनग्निश्च सूत्र एवं संशया। एक दिन जप न करे, 3 दिन संध्या न करे और 12 दिन अग्निहोत्र न करे तो उसका जीवन सूत्र के समान हो जाता है। तो निष्काम कर्म संध्या बंदन के लिए ये मत पूछो कि क्यों, तो निष्काम कर्म के लिए यदि कहोगे कि क्यों निष्काम कर्म करें,
पहले कारण का निषेध करो। यदि निष्काम कर्म के साथ क्यों जोड़ दोगे कि क्यों करें तो व्यापार हो गया। हमारे एक पास हाथी बाबा जी महाराज आए थे वृंदावन के, बहुत उच्च कोटि के संत थे, उम्र बड़ी थी, सूर्या बाबा जी से भी पुराने थे, तो आके कभी कभी हमारे पास बैठ जाए करते थे चटाई पर। हमारे पास भी खजूर की चटाई थी और कुछ नहीं था। एक दिन एक कलकत्ते के व्यापारी ने पूछा हमसे कि स्वामी जी संध्या वंदन क्यों करना चाहिए, राम राम क्यों करना चाहिए। तो मैं तो बोला नहीं, वे बोली कोई वाणिया है क्या, बिना फायदे का कोई ये काम करना ही नहीं चाहता, ये नहीं चाहता है कि हम बिना फायदा उठाए किसी को एक गिलास पानी पिला दें, किसी को दो मुट्ठी अन्न दे दें, किसी रोगी को दवा दे दें, किसी लड़के को कपड़ा दे दें। ये सोच ही नहीं सकता है कि बिना कामना के भी कोई कर्म करना चाहिए। आजकल की सारी शिक्षा कमाने की विद्या सिखाती है, रखने की विद्या नहीं सिखाती है। उसको किस काम में लगाना चाहिए, जो उन्हें पर कैसे लगाना चाहिए ये भी नहीं सिखाते हैं। ये तो जो छिटपुट सत्संग है उसमें खर्चने की विद्या थोड़ी सिखाई जाती है तो लोग डरते हैं कि कहीं चंदा न कर लें। वैसे मिनिस्टरों की झोली है, सब एक ही झोली मिनिस्टरों की रहती है, एक संस्था बना देते हैं, ये समाज सेवा संघ है, ये परिवार नियोजन संघ है, ये ग्राम सेवा संघ है, और उसी झोली में वो लेते तो हैं पर वो मिनिस्टरों का लिया हुआ दान लाइसेंस के लिए होता है या कोई फायदा उठाने के लिए होता है। तो निष्काम कर्म का आप अर्थ समझिए। एक तो हमारा ये कर्तव्य है, इसको अवश्य करना चाहिए, सनातन धर्म है, पिता पितामह के द्वारा किया हुआ चला आया है। दूसरा करना चाहिए कि इससे हमारे अंतकरण की शुद्धि हो। हम कुछ पाना नहीं चाहते हैं, बल्कि हमारे अंतकरण में जो वासना कूड़ा कचरा भर गया है उसको धोने के लिए करते हैं। देखो, एक काम होता है लोटा में दूध भरने का और एक काम होता है उसको मांजने का, साफ करने का। तो कटोरे को मांज करके रखते कभी किसी को भी दूध पीना होगा तो इसमें दे करके दूध पी लेगा। इसलिए अपने अंतकरण को शुद्ध करने के लिए जो कर्म होता है उसको निष्काम कर्म करते हैं। तीसरी बात है कि हम किसके लिए कर्म करते हैं, स्त्री के लिए करते हैं, पुत्र के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, या अपने लिए करते हैं, या भगवान के लिए करते हैं। तो देखो, जब भगवान के लिए कोई कर्म करोगे कि इससे भगवान की सेवा होगी, निस्वरूप भगवान की सेवा होगी, अंतर्यामी रूप भगवान की सेवा होगी। जब ईश्वर की सेवा के लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हारा उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होगा, इसलिए भगवान की प्रीति के लिए जो कर्म किया जाता है वो निष्काम होता है। अब चौथी बात करो, जिसका हम भजन करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं, जिस ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हम कर्म क्या करते हैं, वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, विविधता जिज्ञासा बोलते हैं। ईश्वर के स्वरूप के ज्ञान की इच्छा से जो गुरु सेवा की जाती है, दान किया जाता है, समाज का सुख पहुंचाया जाता है,
परोपकार में जो सेवा की भावना से जो कर्म किया जाता है और हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो कौन है, उससे मिलने के लिए सेवा की जाती है, तो वो कर्म निष्काम हो जाता है। अब पांचवी बात ले लो। पांचवी बात ये है कि तत्व ज्ञान जो है, कर्म जो है, वो समग्र दोष को निवृत्त कर देता है और समग्र दोष को निवृत्त कर देने पर तत्व ज्ञान जो है वो स्वतः सिद्ध आत्मा का अंतकरण में प्रतिबिंब है। इसलिए तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो जिज्ञासा प्राप्त करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इन दोनों के लिए जो कर्म किया जाता है, श्रवण है कर्म है, मनन है कर्म है, निधिध्यासन है कर्म है, गुरु सेवा है कर्म है, ये तत्व ज्ञान के पूर्व अविद्या के रहते हुए बुद्धि से, मन से, प्राण से, शरीर से जो कर्म किए जाते हैं, वो यदि संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं तो वे सकाम कर्म कहे जाते हैं, और यदि वे परमात्मा की ओर ले जाने वाले अंतःकरण शुद्ध करने वाले कर्म होते हैं उनको निष्काम कर्म कहते हैं। योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी लोग कर्म करते हैं, क्यों करते हैं, आत्मशुद्धि यानी चित्त शुद्धि के लिए। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। भगवान के लिए कर्म करोगे तो अंतःकरण की शुद्धि मिल जाएगी। कर्माणि वहि संसिद्धिम् आस्तिका जनकादयः। जनक आदि ने कर्म के द्वारा ही संसिद्धि प्राप्त की है। स्वकर्मणा तदभ्यर्थ्य सिद्धिम् विन्दति मानवः। अपने कर्म के द्वारा उसकी आराधना करके लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है। इसका अर्थ ये है कि जो चरमा वृत्ति का उदय होता है, अंतिम ब्रह्माकार वृत्ति, जिसके बाद वृत्ति भस्म हो जाती है, बाधित हो जाती है, वृत्ति का अस्तित्व ही नहीं रहता है, वो चरमा वृत्ति तो होती है ज्ञान रूप, लेकिन उस तत्व की उत्पत्ति के पूर्व जितने भी साधन किए जाते हैं जो सब कर्तृत्व पूर्वक होते हैं और नारायण उनमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति की शुद्ध कामना होने से उसको शुद्ध कर्म कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं। नारायण इसमें एक विभाग तो यह है कि कर्म से ब्रह्म ज्ञान होता है, तो हमारे शास्त्रों के बिल्कुल अनुसार अब तत्व ज्ञान होने के पश्चात कर्म किया जाता है कि नहीं, ये एक प्रश्न। दूसरा, लोकमान्य तिलक ने ये पक्ष दिया तत्व ज्ञान होने के पश्चात कर्म करना ही चाहिए, क्रियावान होना ही चाहिए, उसको निष्काम कर्म कहेगा। लेकिन उसको करना ही चाहिए, ये आग्रह रखना लोकमान्य तिलक ने। और हमारे जो शंकराचार्य या वर्तमान काल में वेदांतवाद वो कहते हैं कि सत्व ज्ञान चाहे तो कर्म कर सकता है और चाहे तो न करे, उसके लिए कर्ता न होने के कारण कोई बंधन नहीं है, लेकिन स्वभाव से जस्मात्मनिव आत्मसंतुष्ट मानव आत्मनिव संतुष्ट कार्यम विद्यते, कर्तव्य का बंधन तो उसके लिए नहीं है, परंतु तस्मात असक्त सतत कार्यम कर्म समान करो असत्तो ज्ञान कर्म कर्म पर आप लोग
इसलिए शाम धर्म का अभ्यास आप एक गिलास पानी को खिला दीजिए और उसको जो गूगल में बाकी बात है उसको दे देता हूँ। तो इस पानी की आशा मत रखिए, एक गिलास पानी पिलाइए और इस पानी की आशा मत रखिए तो देखिए आपका कर्म निष्काम हो जाए। आप किसी अतिथि को जो बिना देर फोन किए बिना कहा बिना कुछ किए भोजन के समय आपके घर में आया है और उसको खिला पिला दीजिए, इलाज दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए, आपका निष्काम कर्म हो जाएगा। तो यदि आप सावधान रहें तो आप आगे घटना एक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी अच्छा रख दीजिए दूर भी जो है निष्काम भाव से हम इसकी सेवा करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को रखिए निष्काम भाव से सेवा करने के लिए तो धीरे धीरे आप दूसरों की भी करने लगेंगे और एक स्थान में निष्काम सेवा करने लगेंगे तो दूसरी जगह भी करेंगे और एक समय रख लेंगे निष्काम सेवा के लिए तो धीरे धीरे पांव फैलाता जाएगा। इसको पाद प्रसारण न्याय बोलते हैं, भिक्षु पाद प्रसारण न्याय। एक भिखारी था महाराज, वो कहीं गया और बैठ के भीख मांगने लगा तो रोज रोज वहां बैठने लगा, फिर थोड़ी सी बालू ला करके वहां बिछा दी उस पर बैठने लगा, फिर ईंट लेके चारों तरफ दो 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 ईंट का घेरा बना दिया, पहले बैठने भर का दिया फिर जरा लेट जाने भर का कर दिया और फिर तो बढ़ते बढ़ते वहां उसकी कुटिया बन गई, मठ बन गई। एक दिन प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी से मैंने पूछा, अभी किसी साल कहीं गए थे जमीन उन्होंने रखी है दिखाने के लिए हमको ले गए, तो मैंने पूछा कितने में ली है प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी, तो बोले साधु कहीं जमीन खरीद के लेना है, अरे आके बैठ गए तो बैठ। तो ये जैसे साधु लोगों का जो है ना वो पादप प्रसारण होता है, भिक्षु का पाद प्रसारण है, ऐसे निष्काम कर्म जिसके हृदय में आ जाए घंटे भर के लिए आ जाए, एक पीठ की भूमि में आ जाए, गुरु माता पिता के लिए निष्काम कर्म आ जाए तो वो भिक्षु पादप प्रसारण न्याय से जीवन में फैल जाता है और उसका मजा आने लगता है, रस आने लगता है कि वो काम को ये बढ़िया बना और फिर वो वृत्ति जब निष्काम कर्म में रस की उत्पत्ति हो जाती है तब आदमी अपने आप उसको छोड़ नहीं पाता है। तो एक भाई पूछ रहे हैं कि संपूर्ण एमएससी निवृत्ति कैसे हो, अपने करने के लिए क्या करना चाहिए। बात तो लच्छी लगती है जैसे बहन जी ने वेदांत पढ़ा हो, यदि उदर मंत्रण शुरू हो तो भय होगी। यदि व्यक्ति अपने में और किसी दूसरी चीज में जरा सा भी अंतर रखेगा, भेदभाव रखेगा तो उससे भय रहेगा, डर होगा। द्वितीया बड़ी भय भवती ये दोनों सोते हैं बोला अन्यो हमिति पुनर्मंथन कुरुते पशुरेव सदेवानाम। वो तो पशु है, पशु के हृदय में ही डर बहुत होता है, वही कौवा कौवा सबसे डरता है पशु सबसे डरता है। अरे भाई जब हमने तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया है कभी तो तुमसे हमारा घर में डर क्या। तो तत्वज्ञानी पुरुष के लिए आता है कि सो अभय प्रतिष्ठा मिलते हैं, उसको अभय प्रतिष्ठा मिलती है, अभय को प्राप्त हो जाता है और नारायण
है, होता क्यों है, आप देखिए। ये जो आपको डिप्रेशन हो जाता है, हमारे पास डिप्रेशन के रोगी आते हैं, बड़े बड़े करोड़पति लोग जो हैं डिप्रेशन के रोगी हैं, तो उनकी जो चित्त वृत्ति है वो न तो जो अच्छे काम किए हैं उनका भाव है उन्हें, और आगे आगे क्या होगा इसको बहुत सोचते हैं। जो आगे की बात ज्यादा सोचता है उसको ज्यादा भय होता है, शोक जो होता है वो बीती हुई बात सोचने से होता है, शोको भूत वृत्ति ही, भयम भविष्यत वृत्ति ही, भय जो है वो भविष्य के बारे में अधिक सोचने से होता है। अरे यहाँ कोई चोर ना आ जाए, कोई भूत ना आ जाए, कोई डाकू ना आ जाए, भय हमेशा हमारे मन को हमारे पास से उठा के भविष्य में फेंक देता है, और शोक हमेशा हमारे मन को पिछाड़ देता है, पिछली बातों में डाल देता है। इसलिए शोक और भय से मुक्त रहने के लिए अपनी चित्त वृत्ति को वर्तमान में देखो, अतीतम नाम संधत्ते भविष्यत नाम संधत्ते नातीतम चिंतयत्य सो वर्तमान निमेषम तु हसन देवाति वर्तते। भविष्य का अनुसंधान नहीं करता है कि क्या होगा आगे, मरने वाले मरते जा रहे हैं, बीमार पड़ने वाले पड़ते जा रहे हैं, छूटने वाले छूटते जा रहे हैं, पति पत्नी का तलाक होता जा रहा है, माँ बाप दादा दादी मरते जा रहे हैं, धन आता जाता रहता है, पता नहीं कब छापा पड़ जाए। एक दिन महाराज हमारे पास एक ये जो कस्टम के अधिकारी होते हैं ना, चेला है हमारा, बड़ा बड़ा अधिकारी, उसने हमको बताया कि हम महाराज जब चाहे जब उसको पकड़ सकते हैं, कस्टम का अधिकारी। और मैं गुरु, मैंने कहा तुम हमको पकड़ सकते हो, कैसे पकड़ सकते हैं, ये जो घड़ी आपके पास टिक 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 कर रही है आपने कहाँ से खरीदी है, तो भाई हमको तो दे गया थे, तो उसका नाम बताइए, नाम तो नहीं बताएंगे, पता नहीं उसने कैसे कहाँ से दिया है, तो बस आप या तो नाम बताइए उस केले को पकड़वाइए, या तो आपको पकड़ेंगे या तो आपके केले को पकड़ेंगे। वो विदेश से कहीं ले आया होगा, उसने टैक्स चुकाया है कि नहीं, कस्टम दिया है कि नहीं, किसी दुकान से खरीदा है कि चोरी की है, हम तो चाहे जिसको पूरा करते हैं। ओहो भाई मेरे, तो अब बहुत ऊंचे पद पर है इस विभाग में, सबसे शायद मिनिस्ट्री में सबसे ये भय जो है ना, जहाँ आप वर्तमान को सोचोगे वहाँ तो ठीक ठाक रहोगे, और जहाँ भूत को सोचोगे वहाँ भूत लग जाएगा आपको, और जहाँ भविष्य को सोचोगे वहाँ आप सूने जंगल में, घनघोर जंगल में पहुँच जाओगे। भविष्य में कोई साथी नहीं है, भविष्य में कोई पेड़ पौधा मिलेगा, फल फूल मिलेगा खाने को कि नहीं मिलेगा, तो जो भविष्य की ज्यादा सोचता है उसके जीवन में भय भय बना रहता है। एक दिन हम अपने भाई की बात बताते हैं, हमसे मध्य प्रदेश में ज्यादा तो शायद बात होगा या तो था साथ था, एक गांव है बेल किला, वहाँ के ठाकुर साहब 14 कोस भूमि के मालिक थे, वो जमाना था ब्रिटिश सरकार, स्वराज्य नहीं हुआ था, तो उनका गांव है, हम घूमने के लिए निकले, निकले घूमने के लिए तो सामने जो छौर होती है गांव में, दोनों ओर नागखनी और सेहोर लगे होते हैं और बीच में से रास्ता निकलता है,
मैं निकला तो सामने से सुअर है, जंगली सुअर, एक और बैल और एक और सुअर, दोनों आमने सामने आके खड़े हो गए। और हम उससे डरे कि ये हमको मार देगा, उसके दांत होता है, और वो हमसे डरे कि ये हमको मार देगा। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। अंत में मेरी बुद्धि तो निकली कम और उसकी बुद्धि निकली ज्यादा। उसी बाढ़ को तोड़ करके पानी आने का जो रास्ता पीछे से बना हुआ था, उसमें से पट पर निकल गया बाहर, हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया। लेकिन जब तक वो सामने खड़ा था, तब तक हमारा दिल धक धक कर रहा था कि पता नहीं आक्रमण कर रहे। तो आक्रमण तो किया नहीं उसने, और डर के कारण हमारी पल्स जरूर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ गया। तो ये भय जो है, ये बहुत भविष्य की बात सोचने से जीवन में आता है। देखो, भगवान का भरोसा करो, भय नहीं है। प्रकृति पर छोड़ दो, भय नहीं है। प्रारब्ध पर छोड़ दो, भय नहीं है। समाज की सहृदयता का विश्वास करो, भय नहीं है। क्या तुम्हारे कोई गुरु, कोई इष्ट देवता तुम्हारे रक्षक नहीं है? हम भी तुम्हारी रक्षा करेंगे, भय छोड़ दो। भय करने की चीज नहीं है, निर्भय बनाने के लिए अभयम सत्व संशुद्धि अंतकरण दैवी संपदा जो है वो अभय है। निर्भय रहो, निर्भय डरो मत। प्रकाश डाले गुणातीत अवस्था और सहज समाधि में क्या समान है? पहले गुणातीत देखो, जिसको भगवान का, परमेश्वर का, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, उसका चलना, बैठना, उठना, सोना, खाना, पीना है सब सहज समाधि। सोवत जागत पड़े उठाने कहे कबीर हम वही ठिकाना। वह समाधि सहज क्या होगी, सहजावस्था क्या होगी जो इसी समय न हो, कुछ करने से बने? तो ये दो तरह से होते हैं। एक तो ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो, और अंतकरण में उपरति और वासना न हो, उपरति हो और वासना न हो। और दूसरी बात है कि भगवान जिस पर कृपा करके इसको दे दे, उसको भी सहज समाधि हो जाती है। और जो समर्थ पुरुष ने शंकर आदि, वो जब चाहे तब सहज समाधि में स्थित हो जाते हैं, और जब चाहे जब वो संहार के काम में जुट जाते हैं या भक्तों के साथ समझ जाते हैं। इसलिए सहज समाधि भगवत कृपा से प्राप्त होती है, और वही गुणाती ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होती है। और जो समर्थ पुरुष हैं, वो तो सहज असहज जैसे रहे वैसे सब उनका सहज ही है। गुणातीत होने के लिए दो प्रकार के साधन गीता में बताए। एक तो नान्यम गुणेभ्य कर्ताणं यदा दृष्टान पश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं शोधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्र देहि देह समुद्भवा जन्म मृत्यु जरा केवल गुण ही जो है वो सब करते कराते पाते छोड़ते हैं, जानते जूनते हैं, वो गुण ही है। गुण में ही तमोगुण है,
रजोगुण है, सत्वगुण है, उनके द्वारा कर्म होते हैं। लेकिन जब दृष्टा गुणों को ही कर्ता भोक्ता समझने लगता है, जान जाता है, अनुभव करता है, तब वो परमात्मा के भाव को प्राप्त हो जाता है। एक साधन तो गुणातीत होने का ये है कि आप दृश्य से अपने को अलग करते जाइए, अपने से दृश्य को अलग मत कीजिए, दृश्य से अपने को अलग कीजिए। वो दो बात, अपने से तो हम किसी को अलग कर ही नहीं सकते। अपने आत्मा का जो स्वरूप है सबसे ज्ञान अनंतम ब्रह्म, उससे अलग तो कुछ है ही नहीं, उससे अलग किसको करेंगे। तो जो दूसरा दिखाई पड़ता है उससे अलग अपने को कैसे करते निवृत्त होकर अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाए। एक उपाय तो गुणातीत होने का ये है, और दूसरा है माम च योग व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारी भक्ति योग से, जैसे एक स्त्री है वो दूसरे पुरुष के साथ संबंध, पर पुरुष के साथ संबंध रखती है तो व्यभिचारिणी हो जाती है, और यदि दूसरे पुरुष को बहुत सुंदर, बहुत गुणी, बहुत आकर्षक समझती है लेकिन लोग वैसे उसके साथ मिलती नहीं है, वो दो नंबर की है। और उत्तम के असुभ मन माही सपने मान पुरुष जग नाही, उत्तम सती पतिव्रता वो है जिसकी दृष्टि में दूसरा कोई पुरुष होता ही नहीं है। तो अव्यभिचारी भक्ति योग का अर्थ ये होता है कि दूसरे के साथ भोग राग नहीं है और दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं है और भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, तब अव्यभिचारी भक्ति हो जाता है। तो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, माने गुणातीत हो जाता है। तो जैसे शंकर सहज स्वरूप संहारा, साधु सहज समाधि बलि, शंकराचार्य ने भी उन्मनी अवस्था के नाम से योग तारावली आदि में इसका वर्णन किया हुआ है। तो नारायण मूलतः तो परमात्मा एक है, कोई भक्ति के द्वारा उसमें स्थित होता है, कोई तत्व ज्ञान के द्वारा उसका साक्षात्कार करता है, इससे परमात्मा दो नहीं हो जाता, एक ही रहता है। वो सोई निर्गुण विगत विनोद, सोई यदि प्रेम भगति बरसत तो संध्याती बोध, वही है सोई माने वही 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 जो हमारे अंतर करना अवच्छेद से परमात्मा स्थित है, वही घटावच्छेद से भी स्थित है, घटावच्छिन्न भी वही है और रामकृष्ण आदि आकारावच्छिन्न भी वही है। परमात्मा एक ही होता है, चाहे स्थितम प्रज्ञ हो के पाओ, चाहे भक्त हो के पाओ, चाहे गुणातीत हो के पाओ, कैसे भी परमात्मा को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारी यही अवस्था। शंकराचार्य का एक श्लोक है, यद यद कर्म करोगे तब तक खुला संभो दवा साधनम, मैं जो कुछ करता हूँ प्रभु वो तुम्हारी आराधना है। सौंदर्य लहरी में कहते हैं सपरिया परिया यद भवत जन्मे विलसिता, जो मैं अति खेल को विलास करता हूँ ये तुम्हारी पूजा है माँ,
ये तुम्हारी पूजा है, सपरजिया अपरजिया या बालक कितनी गम्मत गम्मत करता है वो तो सबसे मां खुश होती है। एक तो होती है समता, समता माने बराबरी, सादृश्य। तो जैसे ब्रह्म नित्य शुद्ध विभक्त है उसी प्रकार की जीवात्मा भी वस्तुतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्ति है। वो जब जीव को ईश्वर का अंश बताते हैं तो वहां भी कहते हैं चेतन अमल सहज सुख रस, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश तो जीव है पर अविनाशी है, अविनाशी है माने इसका आदि अंत नहीं है, अनंत है, कभी ये नहीं है ऐसा अनुभव नहीं हो सकता। और चेतन है माने जड़ता के संबंध से रहित है, अमल है माने इसमें भी माया विद्या नहीं है, और सहज सुख राशि है माने परमानंद स्वरूप है। तो एक तो ये है कि जीव चित्त शुद्ध बुद्ध मुक्त दृष्टा रूप से साक्षी रूप से रहे तो वो ईश्वर के समान हो गया, जैसे ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है वैसे जीव भी हो गया। इसका तो नाम हो गया साम्यम, लेकिन परमम साम्यम का अर्थ है कि वहाँ सादृश्य नहीं है, एकता है। सादृश्य जो होता है वो किंचित भिन्न में होता है, तद सदृश और तद भिन्न, उसके समान हो और उससे अलग हो तब सादृश्य होता है, साम्य होता है। लेकिन यदि वही वही हो तो बोले परमम साम्य। ये परम साम्य है माने परमात्मा से एकत्व की जो अनुभूति है, तत्र को मोहा का शोक एकत्व अनुपश्यता। जिसने परमात्मा से एकाकार अनुभव कर लिया वहाँ शोक मोह नहीं है। सर्वभूत स्थितम जो मां भजत एकत्व स्थित सर्वथा वर्तमानों की स्वयोगी मई वर्तते। तो परम साम्यम का अर्थ है भजत एकत्व स्थित एकत्व अनुपस्थ्यता, परमात्मा के साथ उपाधि छोड़ करके, परमात्मा की उपाधि माया छोड़ दे। जब जगत रूप सर्व है तब उसका ज्ञाता सर्वज्ञ है, और जगत मिथ्या हो गया तो सर्व की जो उपाधि थी उसको छोड़ दिया, व्यक्ति मात्र रह गया। जब सर्व सृष्टि है, जब सर्व सृष्टि है तो इस सृष्टि का कर्ता हर्ता हर्ता संहर्ता परमेश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। और जहाँ सर्व ही अधिष्ठान ज्ञान से सर्व जहाँ बाधित हो गया वहाँ सर्वज्ञता भी नहीं, सर्वज्ञ वहाँ हो गया, वहाँ सर्वज्ञ शक्ति हो गया। तो ऐसा ये जो परमात्मा है ये आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उससे एकता ही परम साम्य है, परम साम्य है, परमम साम्य में परिधि ये श्रुति कहती है। और इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म मागता स्वर्गे विनोपजायन्ते प्रलय लभ्यन्ति च जन्म मरण से रहित हो गए। तो ये बात गीता में साधर्म शब्द से कही गई है। और ये निर्दोषम भी समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता, और सम जो है यही परम तत्व है, तत्व है
विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मण है, कभी हस्ते नहीं, जिसमें भी साम है सुहृद मित्र उदासीना मध्यस्थर द्वेश बंधुषु, जिसमें भी साम्य है तो द्वेश कुशल कर्मा कुशले नाम सज्जते, इसमें भी साम्य है। ये समता जो है ये ब्रह्म का स्वरूप है और परम साम्य का अर्थ है कि अविद्या मूलक जो वैषम्य है वो निवृत्त हो गया और स्वतः सिद्ध समता जो है तो वो तो उसके स्वरूप में है ही। तो अब प्रभु एक गुरुभक्त है वो प्रश्न कर रहे हैं कि ये आचार्य के आचार्यों ने लिखा है कि रेवन धंधा विभिन्न यद्यपि विनय को चिंतामणि तदपि न हाथ प्रसाद विभिन्न राशि क्रमा से बाहर सभी युग को न मिला। हे जिनानाथ आजकल मिलावट का जमाना है, हमारा ख्याल है जब ये पद आचार्यों ने रचा था उस समय संसार में इतनी मिलावट व्याप्त नहीं थी, तो फिर पूर्ण भक्ताचार्यों को वृंदावन की सीमा से बाहर का ईश्वर भी ग्रहण करने में संकोच था या मिलावट का दर्द था या कोई और कारण था? कृपया ऐसा है जी कि भक्ति का स्वरूप ये है कि उसमें होनी चाहिए एक निष्ठा। तो भगवान जो है परमात्मा जो है वो तो देश परिच्छिन्न नहीं देशातीत है और काल परिच्छिन्न नहीं है कालातीत है। माने भगवान की न तो कोई एक उम्र है, कितनी उम्र भगवान की हुई अब शुरू हुई अब तक है, ये तो काल परिच्छेद का निषेध हो गया माने जन्म मरण नहीं है। और देश परिच्छेद का निषेध कि यहाँ उनकी राजधानी है यही रहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम केंद्र में तो वही मैं जाना। अच्छा, और एक ही उनका रूप है, यही उनका रूप है, ऐसा नहीं है सब उनके रूप है। एकम रूपम बहुराजक करो थे रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुव स एक था भवती द्विधा भवती त्रिधा भवती पंचथा भवती सप्तधा भवती एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखा। सब है भगवान माने द्रव्य है के जितने आकार हैं, आकारातीत है गुणातीत है। अब कोई भक्त उनका भजन करे तो कैसे करे? तो यदि कहे कि हम सारे विश्व पर फूल माला चढ़ा के पूजा करें तो वो तो नहीं कर सकता। कभी सारे काल में पूजा करें ये भी नहीं कर सकता। कभी सारी वस्तु में भगवान की पूजा करें ये भी नहीं चल सकता। तथा भगवान की आराधना के लिए एक स्थान मानना पड़ता है कि ये भगवान की आराधना का स्थान है, ये उनके प्रकट होने का धाम है, यहाँ उनकी सत्ता और स्फूर्ति, धाम माने रहने की जगह और धाम माने चमा चम दिव्यता। ये वृंदावन कोई लौकिक भौतिक पदार्थ नहीं है, प्रकृति का बना हुआ अप्राकृत है। और ये वृंदावन में जो काल है वो लौकिक काल नहीं है। हाथरस की जमीन और वृंदावन की जमीन एक नहीं है, और हाथरस के सूर्य चंद्रमा और वृंदावन के सूर्य चंद्रमा एक नहीं है। वहाँ भगवान की ज्योति छिटक रही है, वहाँ के तो एक एक कण चिंतामणि है। वृंदावन के एक फूल कण को एक पत्थर का कण उठा लो और उसका आश्रय दो, जीवन भर तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेगा। एक वृक्ष का आश्रय ले लो, एक लता का आश्रय ले लो और यही निष्ठा कर लो कि वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। तो वृंदावन तो साक्षात पंच योजनात्मक भगवान का शरीर है। सोना रहे पंच क्रोशात्मक शरीर, पंच योजनात्मक शरीर और 84 कोष चतुरासी कोषात्मक शरीर, ये भगवान का ब्रज है। तो भक्त लोग मानते हैं कि भगवान
ब्रज को छोड़ करके बाहर नहीं जाते हैं। तो अब उनके लिए देखो क्या हुआ कि एक तो कलकत्ता बंबई बिलायत घूमने की वासना उनकी छूट गई, और जो सिनेमा जो भोजन जो भोग की सामग्री जो क्लब जो महाराज औरतों के साथ नाचना गाना शराब बाहर मिलता है वो भी बंद हो गया, और वासना जो है घूमने फिरने की वो सब निवृत्त हो गई। तो भक्त लोग चाहते हैं कि हम एक स्थान में निष्ठा करें, और वो स्थान है सत्ता स्फूर्ति रूप, और नारायण एक वस्तु में निष्ठा करें। जैसे सालक ग्राम शिला नर्मदेश्वर शिवलिंग, और एक काल में निष्ठा करें जैसे एकादशी जन्माष्टमी रामनवमी पूर्णिमा, तो जो देश काल वस्तु से परे है वहां तक मनुष्य की पहुंच नहीं है, वहां तक मनुष्य के मन की पहुंच भी नहीं है। इसलिए एक स्थान में एक काल में एक वस्तु में भगवान की प्रति निष्ठा करने से उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और भगवान ने भी अनुग्रह करके अपने को ऐसे ऐसे अयोध्या जी है, नैमिषारण्य है, काशी है, बद्री हरिद्वार है, ब्रज भूमि है, दक्षिण में श्री रंगनाथ है, श्री रामेश्वर है, वहाँ विशेष अनुग्रह करके अपने को प्रकट कर दिया है, कहीं अर्चा विग्रह के रूप में, कहीं लीला के रूप में, कहीं चित्रकूट है, तो वो जन्म होने का स्थान नहीं है, वो केवल लीला का ही स्थान है, और अयोध्या में जन्म भी है और लीला भी लीला ही है, और लंका है उसमें केवल दुष्ट संहार और भक्त की स्थापना है, न जन्म है न मधुर लीला है। ऐसे अनेक प्रकार के धाम भगवान प्रकट करते हैं जिससे ये संसार में फंसे हुए जीव अपने को निष्ठावान बना करके भगवान के चरणों में लगा सके। नाम भी इसीलिए हो, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाम नाम अकार बहुधा निज सर्व शक्ति पत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला एकादशी तव कृपा भगवन ममापी गुरुदैव इंद्र सुमेहा जनि नानुराग। प्रभु आपने अपने बहुत से नाम बना दिए और अपनी पूरी शक्ति एक एक नाम में डाल दी, और किस समय भगवान का नाम ले ये नियम भी नहीं बनाया। आपकी कोई इतनी कृपा है, चलते फिरते उठते बैठते घर बाहर कहीं भी भगवान का नाम लेते रहो, मंगल ही मंगल है, नाम जपत मंगल दिशि दसहु भाव कुभाव अनख्याल सहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। लेकिन दुर्गैव इंद्र समिहा जनि नानुरागा, ये अभागे ये दुर्भाग्य ऐसे हैं कि इतना सुगम होने पर भी भगवान की प्रतिकृति नहीं करते हैं। वृंदावन जाने से भगवान मिले, नाम लेने से भगवान मिले, गंगा स्नान से भगवान मिले, ध्यान करने से भगवान मिले, पूजा करने से भगवान मिले, भगवान तो मिलने के लिए जैसे खार खाए हुए हैं, बस हम तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जीव अपनी आँख चुरा करके की ओर से भागता है। तो जो वृंदावन के रसिक भगत होते हैं वो ये कहते हैं रे मन वृंदावन निहार, रे मेरे मन को वृंदावन का दर्शन कर, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि कऊ न हाथ पसार, कोटि चिंतामणि मिले लेकिन किसी के सामने हाथ मत पसारो। वहाँ महाराज राधा रानी किसी को भूखे नहीं रहना देती है, रहने देती है। हमारे कई ऐसे मित्र थे जो आधी रात को बरसाने में पहुंच गए, उनके फिरते 12 बज गया, अब वहाँ गए तो मंदिर बंद, प्रसाद कहीं मिलने वाला नहीं, तो एक साधु ने कहा कि आज तो भूखे रहना पड़ेगा, भूखे प्यासे दिन भर के भटकते भटकते। दूसरे ने कहा हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, चाहे भूखा रखें और चाहे खिलावें।
उसी समय महाराज पुजारी जो है वो भीतर से निकल आया अपना कमरा खोल के और बोला, यहाँ कोई राधा रानी का मेहमान है क्या है? तो वो सो रहा था महाराज, उसको मालूम पड़ गया यहाँ श्री राधा रानी का मेहमान कौन है, हमारे आश्रम के लोग थे वो, उनका नाम ब्रज ब्रज नाम था, एक का नाम अब फाटक खोल के किवाड़ी खोल के दीपक के प्रसाद ले आया, उसको रखा हुआ था और खूब खिलाया उनको। खिलाने के बाद उसने कहा कि भाई सोने की आज्ञा तो मंदिर पर किसी को नहीं है, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो वहाँ से निकले, बरसाने के पास खेत है, एक खेत उसमें चले गए, वहाँ कुआ है, कुएं के गज पर फर्श पर कुएं के सो गए। थोड़ी देर के बाद एक लड़की आई, बोले अरे वो महात्माओं, तुम लोगों ने प्रसाद तो पाया लेकिन पान की बीड़ी तुमको नहीं दी पुजारी ने, ये लो। अरे वो तो आश्चर्यचकित हो गए महाराज, पान की बीड़ी नहीं, पर जब वो लड़की लेके चली गई तब ख्याल आया तेरे कौन था। अरे ये तो स्वतः श्री राधा रानी थी। तो भाई विभिन्न राज सीमा के बाहर हरिहू को निहार, भगवान यदि बाहर से भगवान के अंग की गंध आती हो बाई ओर से, परिक्रमा में दाहिनी ओर वृंदावन रहता है और बाई ओर छूटता है बाहर, तो बाई ओर से सुगंध आई, बोले हमको नहीं चाहिए नाग किराने। और फिर बांसुरी बजी, हमको नहीं चाहिए प्रकाश गिरा दिया। तो पाँव की रुझुन आई, हमको नहीं चाहिए, आपके सामने खड़े हो गए कहने दाहिने आओ, वृंदावन की सीमा में आओ तब तुमको देखेंगे। इसका नाम होता है धाम निष्ठा, इसका नाम भक्तमाल में धाम निष्ठा है। तो कहीं टिको तो सही, अव्य विचारे न भक्ति जोगेन्द्र सेवते, कहीं अव्य विचरित भाव से जम तो जाओ